Welcome back friend, this is Nayab with a brand new video about my biggest nutrition mistakes. Friends, मैं ये video बहुत मेहनत से बनाता हूँ, बहुत ही time लगता है video बनाने में, और जो मैंने bodybuilding के line में मैंने जो struggle किया है, मैंने जो जितना कुछ face किया है, मैं नहीं चाहता कि education की कमी होने की वजह से India में आप लोगों को भी face करना चाहे, करना पड़े. So friends, मैंने जो कुछ सीखा है बॉडी बिल्डिंग में और मैंने जो इतने सालों में जो बॉडी बिल्डिंग में मैंने कुछ जो कुछ भी सीखा है मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि मैंने जो गलतियाँ किया है फ्यूचर में आप वो गलती ना करें. सो फ्रेंड्स सपोर्ट मी बाय लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें. और आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है या कोई भी मेडिसिन या आपका गोल अकॉर्डिंग टू योर गोल तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स नंबर वन में है जो मैं अपने माइक्रोस को काउंट नहीं कर रहा था. फ्रेंड्स बॉडी बिल्डिंग में आप कितना कैलोरी खा रहे हैं, कितना कार्ब खा रहे हैं, कितना प्रोटीन, ये काउंट करना पड़ता है. क्योंकि आप जब आप फिटनेस में हैं, जब आप चाहते हैं कि जो कुछ आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे आपको रिजल्ट मिले तो आपको अपना कैलोरीज काउंट करना पड़ता है. मैंने ये गलती किया था कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था मैं खाना बहुत खा रहा था, मैं प्रोटीन भी बहुत खा रहा था, कार्ब भी बहुत खा रहा था और फाइबर उतना ज़्यादा नहीं खा रहा था, वेजिटेबल्स. सो जो मैं प्रोसेस फूड भी खा रहा था ये सोच के कि बॉडी बन जाएगा, सॉल्ट शुगर सब कुछ खा रहा था. सो बहुत सारा कैलोरी खा रहा था. सो ये था मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक्स. ऐसा नहीं होता है, कैलोरी को काउंट करना पड़ता है आपको और आपको जो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है ताकि ओवर ईटिंग ना हो जाए. फ्रेंड्स जो मैं दूसरा मिस्टेक ये कर रहा था कि ओवर ईटिंग कर रहा था. फ्रेंड्स ओवर ईटिंग जब आप करते हैं तो आपका बॉडी उससे ख़राब हो जाता है. होता ये है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका बॉडी जो सारा जो अचानक से आप फूड दे देते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो आपका सर्वाइवल मोड में जाके स्टोरेज हो जाता है फैट के तौर पर, ताकि व्हेन यू नीड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके. सो फ्रेंड्स आप जब भी खाना खाएं ओवर ईटिंग ना करें कि एक बार दबा के खा लिया इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, इससे आपका बॉडी ख़राब हो जाएगा. आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाना है, दिन में 5-6 बार खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा. वाच फ्रेंड्स ज़्यादा देने से आपका बॉडी ज़्यादा डेवलप या ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, आपका बॉडी को उससे नुकसान होगा, आपका बॉडी ख़राब होगा, फैट स्टोरेज होगा. सो मेक श्योर गाइस जब आप भी खाना खाए थोड़ा थोड़ा खाए और अपने मील्स को बढ़ा दें और 2.5 घंटे या 3 घंटे में खाए. ये गलतियाँ मैं कर रहा था, दिन में 3-4 बार खाना खा रहा था और उस वक्त दबा के खा ले रहा था बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, जिसकी वजह से मेरा फेस और बॉडी ये सब फूल गया था, पफी हो गया था, थुलथुला हो गया था. तो ये मैं मिस्टेक बहुत बड़ा कर रहा था. तीसरा मिस्टेक है वो ये है कि अंडर कंज्यूमिंग ऑफ कार्ब व्हेन कटिंग. फ्रेंड जब मेरा फोटोशूट था या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था या सिंपली जब मैं श्रेड होना चाह रहा था कि सिक्स पैक हो या कुछ हो, तो उस वक्त मैंने कार्ब को पूरा अपने डाइट से निकाल दिया था, सिर्फ मैं वेजिटेबल्स और प्रोटीन खा रहा था, जो बहुत बड़ा मिस्टेक था. फ्रेंड इससे होता ये है कि आपका इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है, आपका साइज़ बहुत कम हो जाता है और जब भी आप कटिंग कर रहे हैं उस वक्त आपको कार्ब को मैनिपुलेट करना है, कार्ब को टोटली निकालना नहीं है. ये बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप कार्ब निकाल लें. आप जब कार्ब निकाल देंगे तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, वर्कआउट करने का मन ही नहीं करेगा और इम्यूनिटी कम होने की वजह से शायद आपका जो बॉडी है वो जवाब दे दे और आपको शायद कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज़ हो जाए या फीवर हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए. क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हुआ था वहीं जब मैं आप कटिंग कर रहा था, मैंने कार्ब पूरा बंद कर दिया था. ऐसा नहीं होता है कि कटिंग करते वक्त कार्ब बंद किया जाता है, कार्ब को मैनिपुलेट किया जाता है, कार्ब को कम किया जाता है, रात में ये सब कार्ब बंद कर दिया जाता है, सिर्फ वर्कआउट से पहले कार्ब दिया जाता है. सो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप देखें जब आप कटिंग कर रहे हैं. मेरा चौथा जो मिस्टेक था वो था कंज्यूमिंग सो मच कार्ब व्हेन जब वीकेंड पे मैं बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहा था. होता ये था कि मैं बहुत क्लीन डाइट कर रहा था, कार्ब नहीं खा रहा था पूरे वीक में, तो 7वां दिन जब मैं संडे या सैटरडे उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कार्ब कंज्यूम कर ले रहा था एक दिन में. जो वीकेंड होता ही रहा था, मैं जो मतलब हफ्ते भर जो मेरा डाइट है जो मैं क्लीन खा रहा था वो बर्बाद हो जा रहा था 1-2 दिन ओवर ईटिंग ऑफ कार्ब की वजह से. सो ऐसे करने से बॉडी ख़राब होता है. मेक श्योर फ्रेंड्स आप कार्ब को हफ्ते भर थोड़ा मिनिमम लेकर चले, ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया और पूरा अचानक से बढ़ा दिया.
ऐसे आपका बॉडी ख़राब होता है, फैट स्टोरेज होता है और आपका जो बॉडी है स्किन क्वालिटी ख़राब होता है। सो ये मैं मिस्टेक कर रहा था, ये मिस्टेक आप कभी ना करें कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा कार्ब खा ले एकदम दबा के, इससे आपका बॉडी ख़राब होगा। सो वॉच इट फ्रेंड। पाँचवा जो मिस्टेक्स था वो था इनटॉलरेंस ऑफ डिफरेंट फूड्स। फ्रेंड्स एक बात आपको माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि आप अगर कोई फूड दूसरे के बॉडी में अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी में वो भी अच्छा रिजल्ट दे सके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मिल्क का इनटॉलरेंस होता है, दूसरे को मिल्क बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है मगर आपको नहीं दे सकता है क्योंकि आपका इनटॉलरेंस है आपके बॉडी में मिल्क के लिए। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं सोयाबीन बहुत ज़्यादा खाता था और उससे जो मेरा एस्ट्रोजेनिक जो साइड इफ़ेक्ट था, बॉडी में पानी वाटर होल्ड बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। सो मुझे बहुत बाद में समझ आया कि सोयाबीन को बंद करना एस्ट्रोजेनिक जो प्रॉब्लम होता है इससे, और दूध वगैरह जिसको लैक्टोज इनटॉलरेंस है उनको बंद करना चाहिए, और मैं वेजीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगा था बाद में। उससे ये हो रहा था ज़्यादा वेजीज भी कंज्यूम करने से आपको फाइबर ज़्यादा हो जाने की वजह से डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और आपका जो बाउल मूवमेंट है वो ख़राब हो जाता है। सो ये सारे मिस्टेक्स मैं कर रहा था। सो दैट्स इट फ्रेंड। मैं नहीं चाहता कि आप भी ये सब मिस्टेक्स करें। फ्रेंड ज़रूरी नहीं जो आप यूट्यूब पर और नेट पर पढ़ते हैं वो आपके बॉडी में भी सूट करें। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में क्या एडजस्ट हो रहा है, क्या आपका बॉडी ले रहा है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका बॉडी। सो फ्रेंड्स ये था मेरा जो 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने लाइफ में बॉडी बिल्डिंग में किया। मैं नहीं चाहता कि आप भी ये करें। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फ्रेंड टुडे। नया बनवर साइन ऑफ।